के सीईओ आए हैं, उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, क्या कहेंगे आपके हर जगह हमें इंडियंस क्यों नजर आते हैं? पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोप, नोकिया, ट्विटर, इन तमाम के सीईओ इंडियन थे, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, और अब एक और सीईओ या यूट्यूब का सीईओ वो भी इंडियन आ गया। वो देखें, दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे इन चीजों में। रिसेंटली मैंने देखा है कि अमेज़न का एक स्कैम हुआ, रिसेंटली पाकिस्तान में स्कैम हुआ, दे आर नॉट अ स्कैमर्स, ठीक है। सर, अगर गूगल का सीईओ पता कौन है? गूगल का सीईओ वो नहीं मुझे पता। गूगल जो कि गूगल सर्च इंजन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पता किस कौन है? नहीं, उसका मुझे नहीं। उसका सीईओ है इंडियन, पे करता है। यूट्यूब का सीईओ कौन है? इंडियन है। इंडियन है सर। ये भी तो देखे ना, हमारी आवाम और उनकी आवाम, हमारी आवाम में जज्बा है, ठीक है। किस चीज़ का जज्बा? जज्बा हर चीज़ का जज्बा है। किधर है वो जज्बा? जज्बा हमारे अंदर है सर। जज्बा वो है तो फिर ये गुर्बत खत्म करे ना मुल्क की, कर्जा इतना चढ़ा हुआ है ये खत्म करे मुल्क का, और ये जो से गरीब आवाम जो लाइनों में लग के आटे के लिए मर रहे हैं सर, इसको खत्म करे ना पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube के नए CEO नील मोहन बने हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया से है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोगों का रिएक्शन कैसा है इसके ऊपर, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, और अब एक और सीईओ या यूट्यूब का सीईओ वो भी इंडियन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडियन और पाकिस्तान की जो कंपेरेबिलिटी आप लोगों ने बनाई हुई है ना, इसको छोड़ें, वो देखें, दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे इन चीज़ों में, और उनकी जो कैबिलिटी है और जो उनका इंग्लिश एक्सेंट है, यहाँ पे जो है बेसिकली कॉल सेंटर्स खोले होते हैं, ठीक है, दे आर स्कैमर्स। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि अमेज़न का एक स्कैम हुआ, रिसेंटली पाकिस्तान में स्कैम हुआ, दे आर नॉट अ स्कैमर्स, ठीक है। हम करते हैं जुगाड़ सिस्टम, हमारा यही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यार हम पैसा जल्दी से अंदर कर लें, किसी तरह हमारा पैसा कमा लें, ठीक है। तो इससे जब हम हटेंगे ना, हमें अपने प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम जरा सीरियस होंगे, तो वी विल इंशाल्लाह डू इट। तो सर, हम तो ये कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कोई सीन है या नहीं है? ये दीज ऑल आर स्कैमर, मतलब कि दीज ऑल आर डिले एंड डिबेटिंग ऑल दैट थिंग्स, ठीक है, मैं इस चीज़ को रिलाई नहीं करता। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ़ यू बिलीव इन द हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग पर्सन, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट मतलब कंट्री नहीं है? दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन, बट आई टोल्ड यू बिफोर, दे आर स्कैमर्स टू, ठीक है, उसमें स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हम स्कैमर्स को हटा दें बीच में से, तो पाकिस्तान में मौका मिलता है। अगर देखें, जैसे कि हमारा एक माइंडसेट है कि यार बाहर जाके हमने डॉलर्स कमाने हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाके स्वीपर भी बन जाएंगे, हम वहाँ पे जाके ऑर्डर टेकर भी बन जाएंगे, हम डिलीवरी बॉय भी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वो नौकरी चाहिए जिसमें भजन एसी लगाओ, वाइट कॉलर जॉब चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी वही सेम, अगर एज लाइक दिस थिंग हम यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं ना, तो ऑब्वियसली एवरीवन ग्रोथ। अच्छा, आपने बात की कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट पाकिस्तानियों का भी है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, आपको पता है कि जब हम किसी फॉरेनर का इंटरव्यू करते हैं, तो यहाँ से जो पाकिस्तानी इंडिया, यहाँ से जो पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब्स मिल सके, क्योंकि इंडियंस की एक रिस्पेक्ट बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी बात फिर भी वहीं पे घूम घुमा के मेरी बात वहीं पे आ रही है, क्योंकि हमने ऐसे अपने आप को बनाया हुआ है कि यार हम अपना रेपुटेशन खुद ख़राब कर रहे हैं। अगर हम यहाँ भी स्कैम करें और वहाँ भी स्कैम, दीज ऑल आर गेम्स आर स्कैम। अगर आप स्कैम करना बंद कर दोगे, अमेज़न ने जिधर स्कैम्स हुए ना, लाइक एन कोई विलेजर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट नेम, ठीक है, दैट विलेज और फैसलाबाद, एग्जैक्टली उसको बैन कर दिया अमेज़न ने, अमेज़न अब वहाँ पर काम नहीं करेगा, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है ना वो बंद कर दिया है उन्होंने उस काम के लिए। अब आप लाहौर में काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जाहरी बात है, अगर हम मैं बाहर जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार आई एम अ पाकिस्तानी, तो अंग्रेज़ के दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि यार ही इज़ अ स्कैमर, ही शी विल बी अ स्कैमर। और सर, इन लोगों की वजह से आप यकीन करें कि हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही। एक तरफ आप किसी भी कंट्री का, इंडिया का किसी कंट्री का पासपोर्ट ले लें, आप कहीं भी कंट्री में जाएं, आप यकीन करें हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, रैंक तो हमारा नीचे है ही है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमारी ऐसी चेकिंग की जाती है, हम ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि अल्लाह माफ़ करे, शायद हम किसी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। Yeah, exactly. There is a recent मतलब कि incident with me. I was going to Dubai and मुझे ऐसे चेक कर रहे थे, लेकिन मुझे उसने कहा कि अपने शूज़ उतार के ना उसके कैबिनेट के ऊपर रखो। मैंने कहा दिस इज़ ओनली द शू, ठीक है, कहते फिर भी आपने उसके ऊपर रख के आपने वॉक वे करते हुए जाना है। दिस इज़ अ मतलब कि डिबेट, मतलब कि मैंने उससे डिबेट किया थोड़ा सा, ठीक है, उससे मैंने आर्ग्यूमेंट किए, लेकिन उसने कहा कि सर आपने यहाँ से क्रॉस करना है तो आपने शूज़ उतार के करना है, वरना आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीर्ड फील किया, मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब करना तो पड़ना, जाना था मैंने, ऑब्वियस सी बात है। और वो दूसरी साइड पे ना जो विजिटर्स थे, नॉर्मल जो भी मतलब कि कहीं के भी लगा लो, तो वो ऐसे ही आ रहे थे, मतलब कि वो एक क्रॉस पास से गुजरते हुए जा रहे थे, ठीक है,
क्रॉसमेटर से चेक होके वो जा रहे थे अपने पास। तो ये चीज पाकिस्तानियों के लिए था, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने अपना नाम खुद खराब किया है। सर अगर हम इंडिया के पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की तरक्की की बात करते हैं, इंडिया के लोगों के मुफाद की बात करते हैं, मतलब वो तमाम पॉलिसीज बनाती इसी तरह की है कि उनके लोगों को बेनिफिट्स मिले, उनकी कंट्री का नाम ऊपर हो। अभी आप रिसेंटली देख ले तुर्की में जो जलजिला आया, जितना उसका नुकसान हुआ, इंडियन आर्मी ने वहां पर कितनी ज्यादा हेल्प की, बाकी कंट्रीज भी गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम इंडिया का ऊपर है। इंडिया का बेसिकली इसने नाम ऊपर है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जाके सबसे पहले अप्लाई किया था, ठीक है। उन्होंने एज अ बीइंग अ ह्यूमन उन्होंने ये नहीं देखा कि यार वो मुस्लिम कंट्री है या वो कौन सी है, इसराइल है कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले आता मजहब, हम यहाँ पे मजहब को ले आते हैं कि यार नहीं ये हिंदू है इसकी मदद नहीं करनी, ये मुसलमान है इसकी मदद करनी है, ठीक है। सऊदी अरबी के साथ उनके तालुकात हमसे ज़्यादा बेहतर हैं इस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने टर्की में इसलिए एज अ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन उन्होंने पहला हाथ बढ़ाया कि यार ठीक है उनको हल्की जरूरत है, कभी उनको भी पड़ सकती है, ठीक है। आने वाले जो प्रेडिक्शन है वो इंडिया और पाकिस्तान में। सर अगर गूगल का सीईओ पता कौन है? गूगल का सीईओ वो नहीं मुझे पता। गूगल जो कि गूगल सर्च इंजन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पता किस कौन है? नहीं उसका मुझे नहीं। उसका सीईओ है इंडियन। इंडियन है? अच्छा। इंडिया का क्यों है भला? क्यों है इसकी? क्योंकि उसके पास तालीम बहुत अच्छी है, हमसे ज़्यादा अच्छी तालीम है। आपको पता है ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़, मतलब कि कोई भी नई खबर आती है ट्विटर पर ट्रेंड होती है। उसका सीईओ पता कौन है? उसका सीईओ कौन है? इंडियन है। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए हम वीडियो काम करते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके मैं एम्प्लॉई हूँ, जिसमें जो कैमरा के पीछे बंदा है वो एम्प्लॉय है, जिसको मैं सैलरी पे करता हूँ, वो सारे भाई कौन है? YouTube हमें पे करता है। YouTube का सीईओ कौन है? इंडियन है। इंडियन है, सही है। लेकिन तो इंडियन मैं... इंडियन आप मेरी बात सुने, इंडियन क्यों है? हमसे उनके तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तानी सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर वर्कर और ये जो उनसे छोटे मोटे काम और सिर्फ दिहाड़ी के लिए जाते हैं, लेकिन इंडियन जब जाते हैं तो वो सीईओस बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं। कैसे देखते हैं आप, तालीमी निज़ाम अच्छा तो बनते हैं ना? नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें ना, हमारी आवाम और उनकी आवाम, हमारी आवाम में जज्बा है, ठीक है। किस चीज़ का जज्बा? जज्बा हर चीज़ का जज्बा है। किधर है वो जज्बा? जज्बा हमारे अंदर है सर। जज्बा वो है तो फिर ये गुर्बत खत्म करें ना मुल्क की, कर्जा इतना चढ़ा हुआ ये खत्म करें मुल्क का, और ये जो उनसे गरीब आवाम जो लाइनों में लग के आटे के लिए मर रहे हैं सर, इसको खत्म करें ना पहले, आटा वाफर मकदार में पहुंचाए। जज्बा इधर लेके आए ना सर, सिर्फ लड़ने धाड़ने मारने के लिए जज्बा थोड़ी ना होता सर। वो मेरी बात आप फॉलो नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ हमारे मुल्क की जो सी ऊपर वाले लेवल में है ना, करप्शन की वजह से मुल्क इस टाइम जो क्राइसिस में है ना, ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जितना पैसा है उतना किसी मुल्क में पैसा नहीं है, लेकिन वो क्या बात है कि पैसा जो बड़ा इन्वेस्टर है वो पैसा अपना बाहर नहीं निकालता, बाहर के मुल्कों में ले जाता है। उन्हें ये बेनिफिट है कि इधर का पैसा बाहर के मुल्कों में जाता है, उसकी वजह जितना हमारे मुल्क में पैसा है इतना किसी मुल्क में पैसा नहीं है सर। इतना हमारे पास पैसा है तो सर देकर मुल्क की गुर्बत को क्यों नहीं खत्म करते, कर्जा क्यों नहीं खत्म? उनसे बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने पैसे अपने ऐसे बंद किए हैं। मेन फाइनली मैं मान जाए कि हमसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बेहतर है, मैं नहीं मानूंगा इस चीज।